आप अपनी सहूलत के लिए इसके आगे लिख लेंगे ये आपका लैंग्वेज पार्ट है आप इसके आगे यहाँ लिख लेंगे लैंग्वेज पार्ट हमने इसके आगे लिख लिया लैंग्वेज पार्ट यू आर एंड यू आर ई वर्ड स्पेलिंग एंडिंग्स ठीक है ये जो वर्ड्स हैं यू आर ई ये फेक्सिस में यूज़ होंगे होते हैं अक्सर यूज इनका जो होता है वो सुफेक्सिस में होता है जैसे कि लिखा हुआ है दी यू आर ई स्पेलिंग्स पैटर्न इज़ ऑफन फाउंड विद द श्योर एंड ट्योर सुफेक्स ठीक है यू आर ई यू आर ई श्योर ट्योर इनका यूज़ अक्सर सुफेक्स में होता है ठीक है दी यू आर स्पेलिंग पैटर्न अकर्स क्वाइट ऑफन

ए फाइंड दू आर ई यू आर एंड यू आर ई वर्ड इन द बॉक्स दैट मैच ईच पिक्चर्स ये पिक्चर्स दी गई हैं और ऊपर इनके वर्ड्स दी गए हैं जस्ट लाइक नर्स पंक्चर ट्रहर पिक्चर पार्स अब पर्स देखें यू आर ई ये वर्ड के दरमियान में यूज़ हो रहा है ओके स्पेलिंग्स हैं ये वर्ड के सेंटर में यूज़ हो रहा है जैसे ये नर्स है इसका यू आर ये भी वर्ड के सेंटर में यूज हो रहा है पंक्चर यू आर ई ये suffices, ये लास्ट में यूज हो रहा है ट्रेजर यू आर ई ये भी लास्ट में यूज हो, यू हो रहा है पिक्चर यू आर ई ये भी लास्ट में यूज हो रहा है एंड पर्स यू आर ये सेंटर में यूज हो रहा है ओके बर्न यू आर ये सेंटर में यूज़ हो रहा है अब एक एक पिक्चर के साथ हम इनके नेम राइट करते जाएंगे। आप लोग मेरे साथ इसको राइट करते जाइएगा ओके नंबर वन पिक्चर नंबर वन क्या है यह है ट्रायर। इसके आगे हम यहाँ लिखेंगे ट्रायर। आप इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे पिक्चर नंबर वन क्या है ट्रेयर है इसको हम लिखेंगे ट्रैयर पिक्चर नंबर टू है बर्न यहां पर हम लिखेंगे बर्न पिक्चर नंबर थ्री है नर्स यहां पर हम लिखेंगे नर्स ये है पर्स यहां पर हम लिखेंगे पर्स एंड दिस इज अ पिक्चर ये लास्ट पे क्या है पंक्चर अब हम इसके नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ देखेंगे हम क्या है राइट ईच ऑफ वर्ड इन एक्टिविटी ए एक्टिविटी ए में जो वर्ड दिए गए थे जैसे नार्स पंक्चर ट्रइर पिक्चर पर्स बन एक्टिविटी ए इन योर ऑन सेंटेंस अब उन वर्ड्स के आप लोगों ने सेंटेंस लिखने हैं एक एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ जो आप लोगों ने लिखना है और कैसे लिखना है ओके okay, इसको आपने अपनी लैंग्वेज की कॉपी पर अच्छी तरह से राइट करना है ये देखें ये देखें डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जैसे कॉपी पे काम करना है उस तरह मैंने mention कर दिया है पेज नंबर इलेवन लिखेंगे आप और पार्ट लिखेंगे बी फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे मैंने एक एक सेंटेंस बनाया आपने दो दो या तीन तीन सेंटेंस आप लोगों ने बनाने हैं जस्ट लाइक जैसे कि फर्स्ट वर्ड था नर्स शी इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एज अ नर्स मैंने एक बनाया लेकिन आपने दो कम से कम दो बनाने हैं इसके अलावा आप तीन भी बना सकते हैं ओके okay, नेक्स्ट मैंने बनाया है ट्रेयर ही फाउंड ट्रेयर इन द केव ओके नेक्स्ट पर्स आई हैव अ ब्यूटीफुल पर्स ये तीन मैंने आपको बनाकर दिखा हैं बाकी जो पंक्चर पिक्चर और बर्नर बर्न Burn, ये थ्री जो रह गए हैं वो उनके आप लोग खुद बनाएंगे दो दो कम से कम दो दो सेंटेंस होने चाहिए ओके okay? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सम टाइम्स देयर आर कैन बी टू यू आर अ साउंड्स इन अ वर्ड एंड द साउंड कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट लेटर पैटर्न ठीक है आर साउंड जो होती है वो डिफरेंट बाजू का वो डिफरेंट लेटर पैटर्न के साथ आ जाती है जैसे कि ये एफ आई आर है और एम ई आर फ़ मर दोनों आर की साउंड दे रहे हैं आई आर बी और ई आर बी फ मर फ मर है ना फ मर फ आई आर बी अ की साउंड दे रहा है और ई आर बी आ की साउंड दे रहा है ठीक है कॉपी दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन दी आर यू आर अर साउंड इन ईच वन हर एक में जहाँ पे अर साउंड आ रही है उसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है ठीक है मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाए दी बर नर बर नर दोनों में आर की साउंड आ रही है ओके लर नर लर नर सर जी डर टियर ओके डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़